अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आई होप तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। दिस इज़ मी कलीम आशमी एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल कलीम। वेलकम करता हूँ आज की इस नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने चैनल का एकदम से प्रोफेशनल तरीके के साथ लॉगो किस तरह बना सकते हो अपने नाम का। अभी जैसे आप मेरे चैनल का भी देख सकते हो, मेरा नाम जो है चैनल का नाम है टेक्निकल कलीम, तो मैंने उसको टी और के किस तरह प्रोफेशनल तरीके से एकदम से लगाया हुआ है, क्योंकि आपको पता है चैनल कि अगर आपका जो है अच्छे से दिखेगा, प्रोफेशनल तरीके से दिखेगा, तो ये चैनल के ग्रोथ में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसलिए अगर आपको भी नहीं पता कि किस तरह अच्छे से जो है चैनल का लॉगो बनाएं, क्योंकि आपने भी पहले बहुत सारी वीडियो देखी, बहुत सारे दोस्त बताते हैं यार पिक्सलैब पे बनाओ, पिक्स आर्ट पे बनाओ, इस तरह बनाओ, वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है, एकदम से वहाँ पर हमसे बनता नहीं। तो आज की वीडियो में जस्ट आपको बताऊँगा आपने अपना नाम लिखना है और आप वहाँ से अपने चैनल का प्रोफेशनल तरीके के साथ अपने चैनल का लॉगो वहां से आप ले सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे, बिल्कुल जो है 5 सेकंड के अंदर अंदर अपने चैनल के लिए बहुत अच्छे अच्छे और प्रोफेशनल जो है आप वहां से लॉगो ले सकते हो। वीडियो आज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया यार, तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दें। आज का लाइक टारगेट जो है हमारा है टोटल 50 है, तो आई होप आप लोग 50 कर दोगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की जानी बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं, तो सिंपली आपने अपने गूगल या क्रोम को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ सर्च बार में सर्च करना है। फ़र्ज़ करो मेरे चैनल का नाम है टेक्निकल कलीम, तो मैं यहाँ पर सर्च करूँगा टी के लागो, LOGO लागो। यहाँ पर हम इसको सर्च कर देंगे। जैसे ही सर्च करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे लागो बने हुए प्रोफेशनल तरीके के साथ आ चुके हैं। फ़र्ज़ करो आपको यहाँ से एक ये वाला हम ले लेते हैं जो मेरे चैनल पे लगा हुआ है, फर्स्ट नंबर वाला, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने इसको इमेज को होल्ड करके तो थोड़ी देर रखना है। जैसे ही आप इसको होल्ड करेंगे तो यहाँ पर जो है आपके सामने डाउनलोडिंग का ऑप्शन आ जाएगा। फ़र्ज़ करो अगर आपको ये अच्छी लगती है तो उसके बाद आप डाउनलोड इमेज पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक जो है डाउनलोड हो जाएगी कुछ ही सेकेंड के अंदर। जैसे ही अब डाउनलोड होगी तो अब हम यहां से बैक चले जाते हैं। अब आप यहां से बैक चले जाएंगे। बैक जाने के बाद हम यहां पे अपने YouTube चैनल को जाकर ओपन कर देंगे। यहां से बैक चले जाते हैं, ओपन करते हैं अपने चैनल को और अपने यूआर चैनल पे आपने भी चले जाना है। उसके बाद आप यहां पर ये देख सकते हो, ये टी के मैंने लगाया हुआ है। आपने यहाँ पर चैनल पर आने के बाद, होम पर आने के बाद, ये एडिट चैनल, ये सब कुछ आप अपने YouTube से कर सकते हैं। आपको क्रोम ब्राउज़र पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर ये कैमरे का ऑप्शन आपको जो नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने चूज़ फ्रॉम योर फोटोज़, आप यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ टी के ये लिखा हुआ इमेज आपके सामने आ जाएगी। तो आपने यहाँ से इसको ये जूम भी कर सकते हो या आप जहाँ पर सेट करना चाह रहे हो। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर यार इसका ये जो कलर है कुछ और थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, एक साइड पे रेड होना चाहिए या कुछ होना चाहिए, तो इसके लिए सिंपली आपने भी यहाँ से भी फिर बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद आपने गूगल, तो फ्रेंड्स आपने गूगल पर चले जाना है। गूगल पर जाकर आपने यहाँ पर सर्च कर लेना है BG रिमूव। जैसे ही लिखेंगे तो ये आपके सामने फर्स्ट नंबर की वेबसाइट, आपने इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो क्लिक करने के बाद फिर आपने स्क्रॉल करके नीचे जाना है, ये लिखा हुआ अपलोड इमेज, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने सिंपली इस इमेज को ले लेना है, इसको डन कर देना है। जैसे ही आप डन करेंगे तो ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा, तो ये हमारी इमेज का जो है इसका बैकग्राउंड जो है ये ऑटोमेटिक रेज करके हमें दे देगा। तो ये देख सकते हो इसने हमारा इसका जो है बैकग्राउंड रेज करके दे दिया। यहाँ से आपने सिंपली डाउनलोड कर देना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ से भी आपने बैक चले जाना है और बैक जाने के बाद आपने अपने मोबाइल से पिक्सलैब को या कोई भी आपके पास एडिटिंग की जो एप्लीकेशन होगी तो आपने इसको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आपने इसको यहाँ से 3 डॉट पर जाने के बाद इमेज साइज पर जाना है और आपने यहाँ से इसको यूट्यूब थंबनेल पर ले लेना है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने यहाँ पर जो है अपनी ये जो प्लस का आइकन नज़र आ रहा है इस पर जाना है। इस पर जाने के बाद फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना है और आपने ये वाली इमेज जिसका अभी हमने बैकग्राउंड रेज किया था इसको ओके करके यहाँ पर ले आना है। ये हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ पर ये नीचे आपने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से कलर पर क्लिक करना है
और कलर पे क्लिक करने के बाद आप इसके पीछे ये देख सकते हो यहाँ पर इस तरह करके कोई भी कलर अपनी मर्ज़ी का भी यहाँ पर आप लगा सकते हो। और अगर यहाँ पर आधा और कलर लगाना चाहते हो आधा और, तो उसके लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ने यहाँ पर बैकग्राउंड पे क्लिक करना पड़ेगा और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से शेप पे चले जाना है। शेप पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इस तरह की शेप में आ जाएंगी मुख्तलिफ़ किस्म की। तो आप ऐसे करके यहाँ से तो शेप का जो है यहाँ से कलर और रख के आपने इसको ओके कर देना है। ओके करके इसको यहाँ से फ्रंट है ये आई हुई है तो इसको हमने गो टू बैक कर देना है। तो यहाँ पर आप इसको इस तरह करके इसके कलर आप इसके और अच्छे तरीके के साथ यहाँ से इसके कलर भी आप अच्छे तरीके के साथ चेंज कर सकते हो या इस तरह भी कर सकते हो अगर आपको प्यारा लग रहा हो तो। आप अगर सिंपली सी बात है आप गूगल से जब डाउनलोड करोगे तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ये देख सकते हो मेरा अभी ये जो थंबनेल है कितना जो है अच्छा किस्म का है, ये जो अभी मैंने इसको लगाया है इसको एडिट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ये खुद ऑटोमेटिक ये खुद ब खुद ही बहुत अच्छे तरीके के साथ ये बना होता है। ये यहाँ से इसको जूम करके हम इसको जो है सेव कर देंगे तो ये हमारा जो है सेव हो जाएगा। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी यार, अगर वीडियो अच्छी लगी यार तो प्लीज़ एक लाइक बनता है और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहते हैं।